हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज जसमीत कौर फ्रॉम सहज कोचिंग सेंटर एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी पर्टिकुलरली फॉर द जनरल आयल ट्रेनिंग जो बच्चे जनरल आयल्स का एग्जाम देने वाले हैं ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए है इस वीडियो में आई आई एम टू टेल यू हाउ टू राइट अ लेटर अब मेरी प्रीवियस वीडियोज ऑफ जनरल ट्रेनिंग लेटर्स लेकिन इसमें आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू राइट दैट वन अब देखो लेटर राइटिंग जो है इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट बट हेयर वी आर नॉट राइटिंग द फॉर्मैट वी आर नॉट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ अ फॉर्मैट जिसके अंदर आप पहले एड्रेस लिखोगे ऑफ द सेंडर ऑफ द रिसीवर एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स बट दिस इज सर्टनली डिफरेंट अब इसके अंदर डिफरेंट क्या है कि यू गेट अ क्वेश्चन जैसे हम जनरली आपको आपको क्वेश्चन मिलता है इन योर इंग्लिश दैट हाउ टू राइट अ लेटर व्हाट टू राइट व्हाट इज द टाइटल सो हमें वैसा ही एक टाइटल मिलेगा

कि लेटर और टास्क दोनों में डिफरेंस क्या है अब डिफरेंस ये है जब हम अपना टास्क या ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं उसमें हमारा टी ए जो है वो डिपेंड करता है कि हमने क्वेश्चन को इक्वली लिखा है या नहीं लिखा है हमने हर एक क्राइटेरिया को एक्सप्लेन किया है या नहीं किया है पूरा लेआउट पैराग्राफिंग सेम है या नहीं है तो इसकी जो टास्क अचीवमेंट है वो भी सेम है यहाँ पे जो हम टास्क अचीवमेंट देख रहे हैं उसमें वी हैव टू लुक एट द क्वेश्चन स्टेटमेंट कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है क्या हम बताएंगे और टास्क अचीवमेंट ये भी देखता है कि हमने टाइप के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है या नहीं किया है एज वी नो जनरल ट्रेनिंग में दे आर थ्री टाइप्स ऑफ लेटर्स फॉर्मल लेटर सेमी फॉर्मल लेटर तो आपने कहा था कि सेमी फॉर्मल कुछ होता ही नहीं है सो एज आई टोल्ड यू अर्लीज वेल की आइज में चेंजेस जो है अपडेट जो है वो आते रहते हैं सो एवरी डे एवरी मंथ दे आर सर्टन चेंजेस राइटिंग सेक्शन ये एक चेंज है जो जनरल लेटर में आया है नाउ यू गेट अ सेमी फॉर्मल लेटर एज वेल एंड उसका भी फॉर्मैट आई टेल यू टू डे तो ये जो टाइप है आई एक्सप्लेन यू हाउ टू अंडरस्टैंड दैट टाइप कि ये फॉर्मल है सेमी फॉर्मल है या इनफॉर्मल लेटर है आफ्टर टी ए सी सी वी ऑल नो अब टी ए में क्या है? एक तो टाइप आ गया सेकेंडली वी हैव टू राइट द बुलेट पॉइंट्स दैट आर गिवन एंड द बुलेट पॉइंट इट नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम अपने बुलेट पॉइंट को सीक्वेंस में लिखें हम इनको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं जो भी हम फॉर्मैट यूज कर रहे हैं अपने बॉडी पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर रहे हैं इट कैन वेरी इट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये सीक्वेंस में होने चाहिए वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज कि ये मिस आउट नहीं होने चाहिए वी हैव टू इंक्लूड दिस इंफॉर्मेशन इन द बॉडी पैराग्राफ ऑफ द लेट आउ नाउ कमिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन हाउ टू अंडरस्टैंड दिस देखिए जब हमें मिलता है एक फॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर हम लिख रहे हैं किसी भी अनु इज एट ए हायर अथॉरिटी हायर अथॉरिटी भी हो सकता है इट कैन बी समी प्लेस एट एनी वेयर किसी को भी हम लेटर लिख रहे हैं बट हमको जानते नहीं है फॉर्मल में हमें अपनी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही

यूनिवर्सिटी हेड को लिखते हैं लेटर वी राइट द लेटर टू द पोस्ट ऑफिस टू द पोस्ट ऑफिस अब ये वो लोग है जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते हैं बाय फेस भी नहीं जानते हैं नाम तक नहीं जानते हैं उनका तो ये सारे आ गए फॉर्मल कैटेगरी में अब सेमीफॉर्मल में कौन आएगा सेमीफॉर्मल में वो लोग आते हैं जिनको हम बायस जानते हैं वी हैव देर नेम वी नो दैम टू सम लेकिन वी आर नॉट ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद अब इनमें कौन कौन आएगा इस कैटेगरी में फॉल करेंगे हमारे नेबर्स हमारे प्रोफेसर्स टीचर्स या फिर हमारा सेक्रेटेरिएट हेड जो हम कॉलोनी हेड है या सेक्रेटेरिएट है उसका हेड जो है वो हो जाएंगे हमारे सेमी फॉर्मल कैटेगरी में बिकॉज वी नो दैट पर्सन वी हैव सीन देम ऑन द डेली बेसिस वी हैव इवन कन्वर्स विद एंड वो हमें जानते हैं तो ये सब आ जाएंगे सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इज वेरी क्लियर जो लोग रह गए हैं फॉर इंस्टेंस फैमिली में फ्रेंड सर्कल ये सब हमारे आ जाते हैं इनफॉर्मल कैटेगरी में तो आई होप आपको ये तीन कैटेगरी समझ आई होंगी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट्स मैंने पहले भी एक वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं यू कैन चेक दैट आउट और सेमी फॉर्मल मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उ टू डिस्टिंग्विश अब मैंने आपको बता दिया फॉर्मल इल फॉर्मल फॉलो कौन कौन करते हैं नाउ क्वेश्चन से कैसे पता चलेगा कि हमने किसको लिखना है हाउ इज दैट अंडर स्टेटमेंट इतनी लॉन्ग है अब इसमें से हम कैसे फाइंड आउट करें कि लेटर लिख किस को रहे हैं? और ये लेटर कैसा लिखना है सो एवरी टाइम यू रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट इट सेव और यू आर और इट इज सम तो आपके रिलेटेड कुछ स्टार्ट हो रहा है तो इट अ परमानेंट जॉब आपकी परमानेंट जॉब है एंड फ्यू वीक्स अगो कुछ हफ्तों पहले यू हैव स्टार्टेड अ पार्ट टाइम शॉर्ट कोर्स तो आप एक परमानेंट जॉब कर रहे हो कहीं पे और जॉब के साथ साथ आपने एक परमानेंट कोर्स भी स्टार्ट किया है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है नाउ ये तो हमें मिल गई उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट दे दी ये जनरल स्टेटमेंट है इसके आगे सिचुएशन स्टार्ट होती है यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट एंड वांट टू चेंज दिस पार्ट टाइम कोर्स अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमारी सिचुएशन क्या है पहले जनरल स्टेटमेंट बता रही है कि हम परमानेंट जॉब करते हैं कहीं पे और एक पार्ट टाइम कोर्स स्टार्ट किया है ये हो गई जनरल स्टेटमेंट जिसमें हमें पता चल गया कि वेयर डू वी स्टार्ट सेकेंड पॉइंट पे आ रहा है कि आप उस कोर्स से सैटिस्फाइड नहीं हूं। यू आर नॉट सेफाइड विद इट अब यहाँ इट किसके लिए है पार्ट टाइम कोर्स के लिए कि आप इससे ही नहीं हो सो यू वॉन्ट टू चेंज द कोर्स यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है अगर हम अपने टाइटल क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो जनरली क्या होता है लेटर लिखते टाइम पे जो टीए है वो गलत हो जाता है वी गो ऑफ टॉपिक अब यहाँ अगर आप जल्दी जल्दी में या नर्वसनेस में इस क्वेश्चन को रीड करोगे तो क्या होगा समटाइम्स यू माइट फील कि हमें अपनी जॉब पसंद नहीं है हम जॉब चेंज करना चाहते हैं दो चीजें दे दी हैं एक उन्होंने दे दिया है पार्ट टाइम का कोर्स दे दिया है दूसरा उन्होंने एक परमानेंट जॉब दे दी है उसके जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये वाली यहाँ पे उन्होंने प्रो यूज कर लिए हैं तो समझ नहीं आ रहा है कि ये इट किसके लिए है जॉब के लिए या कोर्स के लिए तो ये भी समझना बहुत जरूरी है और ये समझ कैसे आ रहा है ना यू आर नॉट इट अब यहाँ पे उन्होंने सेकेंड स्टेटमेंट में पार्ट टाइम शॉर्ट कोर्स की बात की है तो जो फॉलोड ऑप्शन uh, दिया गया है इट उसके लिए यूज हो रहा है कि आप यहाँ पे अपनी जॉब से या वर्क से सेटिस्फाइड नहीं हो और आप इस पार्ट टाइम कोर्स को चेंज करना चाहते हो तो इन द लेटर टॉपिक्स यूजुअली द एग्जामिनर इज गोइंग टू सिंप्लीफाई द स्टेटमेंट फॉर यू ताकि आप अपनी जो स्टेटमेंट है उसको जो है आप गलत ना समझो राइट सो so, अगर आपको ये समझ आया हाँ हमने पार्ट टाइम कोर्स को चेंज करना है क्योंकि कोर्स नहीं पसंद आया भाई कुछ भी हो सकता है रीजन देना है अब यहाँ पे अब यहाँ समझ आया कि पार्ट टाइम कोर्स पसंद नहीं है तो कोर्स को बदलना है अब लिखना किसको है राइट अ लेटर टू योर प्रोफेसर प्रोफेसर से नहीं नहीं। हम डेली मिलते हैं हम पार्ट टाइम कोर्स लेने जा रहे हैं तो प्रोफेसर से तो डेली हमारी जो है, interaction हो रही है हम प्रोफेसर को जानते हैं लेकिन यू रिस्पेक्ट दैट परसन लेकिन यू डोंट नो अबाउट दैट परसन बैकग्राउंड फैमिली फ्रेंड सर्कल व्हाट्स एवर बस आप उससे पढ़ने जा रहे हो तो यहाँ पे अब पता लगता है कि हमारा लेटर जो है वो एक सेमी फॉर्मल है आप कभी भी अपने जो टीचर है उसको डियर सर आई एम फ्रॉम दिस कोर्स आई एम इन दिस क्लास टाइमिंग्स टाइमिंग सो एन सो माय नेम इज सो ऐसा नहीं लिखते हो टीचर को यू यूजुअली से डियर मिस्टर बख्शी और डियर मिस्टर शर्मा बिकॉज यहाँ पे हम अपने एग्जामिन जो हमारा प्रोफेसर है उसका हम जो है लास्ट नेम लिख सकते हैं सो डियर मिस्टर शर्मा I am writing this letter, simple start kar sakte ho, ya fir, you can start by saying, my name is Jasneet Kaur, recently I joined your part-time course in computer education or computer application, I am writing this letter to notify you that I am certainly not satisfied with the type of course that I am doing and I want to change it because of some reasons. Well stop, this is your introduction. अब फॉर्मल लेटर की इंट्रोडक्शन कैसे होती है फॉर्मल लेटर में हम क्या लिखते हैं जॉइंट योर इंस्टीट्यूट फॉर फॉलोइंग माई कोर्स विच इज गंग टू हेल्प मी इन माई फॉर्दर जॉब और एज पर माई जॉब परस्पेक्टिव तो यहाँ पे क्या है फॉर्मल में इंट्रोडक्शन ज्यादा ब्रीफ हो गई सेमी फॉर्मल में जो है सिर्फ नाम दे रहे हैं अपना और कोर्स बता रहे हैं जो आपको हमने ज्वाइन किया था लेकिन फॉर्मल में एक और डिफरेंस है फॉर्मल में हम डियर मिस्टर बख्शी करके ओपन नहीं करते हैं वहां पे हमारी ओपनिंग होती है डियर सर और डियर मैन सो आफ्टर ओपनिंग ऑफ द सेंटेंस आफ्टर

पहला रीजन क्या देना है कि आप इस कोर्स से क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो कुछ भी हो सकता है अब जैसे हमने कहा कि मैंने जो कोर्स मैं कर रही हूँ मेरा कोर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का तो मैं ये कह दूंगी कि हाँ इस कोर्स में जो बेसिक्स मैं पढ़ रही हूँ वो यूजुअली जो है मेरे को अपने वोकन ट्रायल मेथड से या फिर मेरे कंसल्टेंट्स कंसल्ट करके मेरे फ्रेंड सर्कल से मुझे पता चल जाता है जो अब तक इस कोर्स में मैंने सीखा है वो मुझे नॉर्मली पता है या फिर मैं उसको फाइंड आउट कर लेती हूँ जो चीज मैं सीखना चाहती हूँ वो है मेरे इज ए डेटा एनालिसिस या डेटा एनालाइज करना सीखना है और मुझे यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा uh, कुछ भी कंप्यूटर टर्म्स यूज कर रहा है आप नॉन रडवर्टिन कोई भी कंप्यूटर टर्म uh, यूज कर सकते हो कि मैं आप कोडिंग सीखना चाहती हूँ सो so, आप मुझे प्लीज कोई ऐसा कोर्स रेफर कीजिए जो कोडिंग सिखाता है या जिसमें मैं ये सीख सकूँ कि कोडिंग कैसे होती है तो so, ये मेरा सीक्वेंस आ गया आपकी वर्ड लिमिट सेम है 150 वर्ड्स। अब बॉडी पैराग्राफ इज डन लास्ट क्या रह गया है सी व्हेन इट कम्स टू राइटिंग अ सेमी फॉर्मल हमारा फॉर्मेट क्या है डियर मिस्टर वट एवर आप कुछ भी लिख सकते हो उनका टाइटल आप क्या आ जाएंगे यहाँ पे बॉडी पैराग्राफ्स टू और थ्री लास्ट में क्या लिखना है योर्स योर्सियरली एंड देन योर नेम दिस इज द एंडिंग फॉर सेमी फॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर में क्या लिखना है योर्स फेथफुली सेमी फॉर्मल में लिखना है योर्स सिंसेरली और इनफॉर्मल लिखना है योर्स लविंगली ये चीजें आप याद कर लीजिए आपका लेटर लिखना बहुत ही इजी हो जाएगा आप पीए में नाइन से कम स्कोर कभी नहीं करोगे अगर आपने ये सारा सीक्वेंस फॉलो किया पहला है आपने ओपनिंग सही से करनी है बाय अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ द लेटर यू आर राइटिंग दूसरा है बॉडी पैराग्राफ में सारे बुलेट पॉइंट्स को फॉलो करने हैं कोई भी एक पॉइंट मिस आउट नहीं करना है सीक्वेंस मैटर नहीं करता है आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो आप बुलेट पॉइंट्स को पहले लिखना चाहते हो किसी पॉइंट को पहले लिख दीजिए बाद में लिखना चाहते हो बाद में लिख दीजिए और तीसरा है आपकी एंडिंग एक्यूरेट होनी चाहिए आपको एंडिंग अपने लेटर के अकॉर्डिंग करनी है बहुत सिंपल है याद करना फॉर्मल एफ से स्टार्ट होता है तो उसको हमने एंड करना है योर्स फेथफुली से सेमी फॉर्मल एस से स्टार्ट होता है तो उसको हमने क्लोज करना है सिंसियरली से और इनफॉर्मल हमारा जो है वो लव है एक तरह ना हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के लिए तो उसको एंड करना है लविंगली से तो ये चीज़ें अपने टिप्स पे रखिए और लेटर राइटिंग कभी भी डिफ डिफिकल्ट नहीं होने वाली है ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इफ यू रियली एंजॉयड वॉचिंग एंड इट वॉज रियली इंफॉर्मेटिव लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फेलो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग